हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश अलगुंडे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को प्रेस कर दे ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सिलेबस का आखिरी यूनिट यानी कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इस यूनिट की शुरुआत की है, जिसमें हमने एग्जाम्पल्स ऑन ट्रेपेजिडल रूल देखे है। तो आज के इस वीडियो में हम सेकेंड रूल यानी कि सिम्पसन्स 1/3 रूल देखने वाले है और उस पर डिपेंडेंट सभी एग्जाम्पल्स। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का सेकंड रूल यानी कि सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो देखिए रूल क्या है। कंसीडर अ फंक्शन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड सपोज वाई जीरो कॉमा वाई वन कॉमा वाई टू कॉमा डैश डैश कॉमा वाई एन आर द वैल्यूज ऑफ वाई करस्पॉन्डिंग टू द इक्विडिस्टेंट वैल्यूज ऑफ एक्स जीरो कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा डैश डैश कॉमा एक्स एन ऑफ एक्स। देन सिम्पसन्स 1/3 रूल इज। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया गया है। सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और यहाँ पे y0, y1, y2 अप टू yn ये सभी y के वैल्यूज़ है करस्पॉन्डिंग टू द इक्विडिस्टेंट वैल्यूज़ ऑफ x यानी कि x0, x1, x2 अप टू xn। तो इन x के वैल्यूज़ के लिए y के वैल्यूज़ क्या है, ये है। ओके, तब उस वक्त सिम्पसन्स 1/3 रूल क्या होता है। तो देखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है एच डिवाइडेड बाई 3 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट में ब्रैकेट वाई जीरो प्लस वाई एन ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 इंटू ब्रैकेट वाई वन प्लस वाई थ्री प्लस डैश 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 प्लस वाई एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इंटू ब्रैकेट वाई टू प्लस वाई फोर प्लस डैश डैश प्लस वाई एन माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये होता है दोस्तों सिम्पसन्स 1/3 रूल, वेयर एच इक्वल टू होता है बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन यानी कि लेंथ ऑफ द ईच इंटरवल। बहुत ही आसान ये रूल है और ट्रेपेजिडल रूल की तरह ही हमें ये रूल इस्तेमाल करना है प्रॉब्लम में। सिंपली हमें यहाँ पे y के वैल्यूज़ कैलकुलेट करने हैं और लेंथ ऑफ इंटरवल यानी कि h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ये सभी वैल्यूज़ हमें इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके फिर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जैसा हमने ट्रेपेजिडल रूल के एग्जाम्पल्स में किया था उसी तरह। तो दोस्तों, इस रूल पर भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसा ट्रेपेजिडल रूल में पूछा जाता है। स्टेट सिम्पसन्स 1/3 रूल ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो उस वक्त हमें यहां पे क्या करना है, सिंपली ये रूल लिखना है और ये वैल्यू लिखनी है। तो 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो उस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए हमें यहां पे सिर्फ ये रूल लिखना होगा। तो ये है दोस्तों सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पर डिपेंडेंट एग्जाम्पल की। तो देखते हैं आज का फर्स्ट। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल कॉमा evaluate integration from 1 to 2 of 1 by x dx is given by, and हमें यहाँ पे एक observation table दिया गया है जिसमें हमें x के values और y के values यानी कि f of x की value हमें इस table में दी गई है। तो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सिर्फ h की value calculate करनी होगी और सिम्पसन्स 1/3 रूल का फॉर्मूला लिख कर फिर उसमें हमें सभी ये y के values और h की value substitute करके उसे फिर सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। आंसर में हम यहां पे लिखेंगे हियर स्मॉल a इक्वल टू यानी कि लोअर लिमिट यहां पे कितना है 1 कॉमा b इक्वल टू यानी कि अपर लिमिट है यहां पे 2 एंड n इक्वल टू। तो देखिए यहां पे n की वैल्यू क्या होती है दोस्तों। तो जैसा कि हमने ट्रेपेजिडल रूल के एग्जांपल में देखा है, तो हमें यहां पे जितने भी x के वैल्यूज दिए गए होते हैं, जितने नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x दिए गए होते हैं, उनमें से अगर हम 1 माइनस कर दें तो हमें यहां पे n की वैल्यू मिल जाती है। तो हमें यहां पे 5 वैल्यूज ऑफ x दिए गए हैं, तो हम 5 माइनस 1 करेंगे तो हमें यहां पे मिलेगी वैल्यू n की 4। तो ये हो जाएगी वैल्यू n की। अब ये तीनों वैल्यू हम h के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे और h की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर h इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, b माइनस a डिवाइडेड बाय n। तो यहां पे हम वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमें यहां पे मिलेगा इक्वल टू
टू माइनस वन डिवाइडेड बाय फोर, यानी कि हमें वैल्यू मिलेगी 1/4, और उसे अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट करें तो हमें यहाँ पे मिलेगा 0.25। तो मैक्सिमम तो आपको यहाँ पे सभी वैल्यूज पॉइंट में ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि अगर आप पॉइंट में कैलकुलेट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आसानी होगी। पी एच की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है 0.25, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में देयर फोर एच इक्वल टू 0.25 एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे इस दिए गए क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, यानी कि इस इंटीग्रल में इंटीग्रैंड की वैल्यू क्या है, 1/x है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। अब इसके बाद हम सिम्पसन्स 1/3 रूल का फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें सभी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से लिखेंगे बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल, उसके बाद हम यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे सिम्पसन्स 1/3 रूल का, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है एच डिवाइडेड बाय 3 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट में ब्रैकेट वाई ज़ीरो प्लस वाई एन ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 इंटू ब्रैकेट वाई वन प्लस वाई थ्री प्लस डैश डैश प्लस वाई एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इंटू ब्रैकेट वाई टू प्लस वाई फोर प्लस डैश डैश प्लस वाई एन माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें हम सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे हो जाएगी हमारा दिया गया इंटीग्रल, यानी कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 ऑफ 1/x dx, और यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या होगी देखिए इक्वल टू एच बाय 3, यानी कि यहाँ पे होगा 0.25 डिवाइडेड बाय 3 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट में ब्रैकेट, देखिए तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमें यहाँ पे वाई ज़ीरो प्लस वाई एन की वैल्यू लेनी है, यानी कि वाई ज़ीरो प्लस वाई फोर की वैल्यू लेनी होगी। तो हम ये दोनों वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा इन ब्रैकेट में 1 + 0.5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 इंटू ब्रैकेट में वाई वन की वैल्यू यानी कि 0.8 प्लस वाई थ्री की वैल्यू यानी कि 0.5714 ब्रैकेट क्लोज प्लस आगे यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू वाई टू की वैल्यू यानी कि 0.6666 ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो हमने यहाँ पे सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं इस फॉर्मूला में जो हमें क्वेश्चन में दिए गए थे, और जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है वैल्यू एच की वो सभी वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए है। अब हमें यह सिर्फ कैलकुलेशन कैलसी में करना होगा। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, इक्वल टू 0.25 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज़, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होगा फर्स्ट ब्रैकेट की एडिशन यहाँ पे आएगी 1.5 प्लस 4 इंटू इस ब्रैकेट की एडिशन यहाँ पे आएगी 1.3714 ब्रैकेट क्लोज प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगा 1.3332 और ये ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का पूरा कैलकुलेशन कैलसी में अगर करें तो हमें यहाँ पे इसका आंसर क्या मिलेगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू ये 0.25 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज इनटू इस ब्रैकेट की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 8.3188। अब इसके बाद हम ये पूरा कैलकुलेशन कैलसी में करेंगे तो हमें यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा इक्वल टू 0.6932। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू, यानी कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 ऑफ 1/x dx की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिलेगी 0.6932। तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्या करना है, सिम्पसन्स 1/3 रूल का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ट्रैपेजिटल रूल की तरह ही हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो गया है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल कैलकुलेट द अप्रॉक्सिमेट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स बाय यूजिंग फॉलोइंग डेटा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस डेफिनाइट इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग दिस डाटा। तो हमें इस डाटा में क्या क्या वैल्यूज़ दिए गए हैं, फर्स्ट रो में हमें एक्स के वैल्यूज़ दिए गए हैं और सेकेंड रो में हमें इन एक्स के वैल्यूज़ के लिए वाई की वैल्यू जो आती है यानी कि हमें उस फंक्शन की वैल्यू दी गई है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर में हम यहाँ पे लिखेंगे हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो देखिए इस इंटीग्रल में इंटीग्रैंड की वैल्यू है ई रेस टू एक्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई रेस टू एक्स कॉमा ए इक्वल टू, यानी कि लोअर लिमिट है यहाँ पे 0 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 कॉमा बी इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए अपर लिमिट है 4 तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी की वैल्यू 4 कॉमा एन इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे हमें एक्स के 5 वैल्यूज़ दिए गए हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 माइनस 1 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन इक्वल टू 4। अब इन तीनों की वैल्यू मिलने के बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एच की वैल्यू, तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर एच
इक्वल टू फार्मूला होता है बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। तो हम सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा इक्वल टू फोर माइनस जीरो डिवाइडेड बाई फोर, और इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा वन। तो ये हो जाएगी दोस्तों एच की वैल्यू। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। तो हम इस तरह से लिखेंगे यूजिंग सिम्पसन्स वन थर्ड रूल कॉमा, नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे फॉर्मूला इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई थ्री इन स्क्वायर ब्रैकेट में ब्रैकेट वाई जीरो प्लस वाई एन ब्रैकेट क्लोज प्लस फोर इन टू ब्रैकेट में वाई वन प्लस वाई थ्री प्लस डैश डैश ब्रैकेट क्लोज प्लस टू इन टू ब्रैकेट में वाई टू प्लस वाई फोर प्लस डैश डैश ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से भी आप यहाँ पे फार्मूला लिख सकते हैं, या फिर आपने इस तरह से भी ब्रैकेट लिखा तो भी चलेगा वाई वन प्लस वाई थ्री प्लस डैश डैश प्लस वाई एन माइनस वन, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस टू इंटू ब्रैकेट में वाई टू प्लस वाई फोर प्लस डैश डैश प्लस वाई एन माइनस टू ब्रैकेट क्लोज, या फिर हमने ऐसा लिखा तो भी चलेगा, जैसा आपको आसान लगे वैसा आप यहाँ पे लिखिएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे फार्मूला में तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए एच की वैल्यू है वन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वन डिवाइडेड बाई ए थ्री इन टू स्क्वायर ब्रैकेट में ब्रैकेट, देखिए तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में हमें वैल्यू लेनी है वाई जीरो प्लस वाई एन की, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों वाई जीरो प्लस वाई फोर की वैल्यू, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे वाई जीरो की वैल्यू वन प्लस वाई फोर की वैल्यू 54.60 ब्रैकेट क्लोज प्लस फोर इंटू ब्रैकेट में वाई वन की वैल्यू 2.72 प्लस वाई थ्री की वैल्यू 20.09 ब्रैकेट क्लोज प्लस टू इंटू ब्रैकेट में वाई टू की वैल्यू यानी कि 7.39 ब्रैकेट क्लोज और ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हमने यहाँ पे सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, इन सभी का कैलकुलेशन हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप मिलेगी इक्वल टू 1/3 एज इट इज, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 55.60 प्लस इस सेकंड टर्म का कैलकुलेशन करने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा 91.24 प्लस इस थर्ड टर्म का कैलकुलेशन करने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा 14.78 और ये ब्रैकेट क्लोज, और इन सभी का अगर हम कैलकुलेशन डायरेक्टली कैलसी में करें तो इसका आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा 53.8733। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे दिए गए इंटीग्रेशन की वैल्यू, यानी कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 ऑफ e रेस टू x dx इक्वल टू हमें यहाँ पे मिलेगा 53.8733। तो अगर हम चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं हेंस कॉमा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 ऑफ e रेस टू x dx इक्वल टू 53.8733। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 3 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग सिम्पसन्स वन थर्ड रूल इवैल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टेकिंग एच इक्वल टू 0.5। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में दोस्तों इंटीग्रल की वैल्यू दी गई है और एच की वैल्यू भी दी गई है, तो हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले वाई के वैल्यूज कैलकुलेट करने होंगे क्योंकि हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये वैल्यू नहीं दी गई है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। आंसर में हम यहाँ पे लिखेंगे लेट वाई इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे इस इंटीग्रल में इंटीग्रैंड की वैल्यू है 1/x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाई इक्वल टू 1/x कॉमा एच की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है 0.5 कॉमा ए की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है 1 कॉमा बी की वैल्यू दी गई है 3। अब इन वैल्यूज़ की सहायता से हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाई की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से लिखेंगे सेंटेंस द टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई इज, तो ये सेंटेंस हमें इस तरह से लिखना है और इसके बाद हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है जिसमें हमें 2 रो लेने हैं। फर्स्ट रो में हमें यहाँ पे एक्स के वैल्यूज लेने होंगे और सेकंड रो में हमें उसकी वाई की वैल्यू। तो हम यहाँ पे इस तरह से टेबल बनाएंगे, फर्स्ट रो में हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स और यहाँ पे हम लिखेंगे वाई। अब देखते हैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल के सभी वैल्यूज। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या लेनी होगी दोस्तों, तो ये लोअर लिमिट की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे लोअर लिमिट है 1, तो हम इसे कंसिडर करेंगे एक्स 0। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे इस फंक्शन में अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमें यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, तो देखिए यहाँ पे 1/1 ये हो जाएगा 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू वाई की 1, तो ये हो जाएगी दोस्तों वाई 0 की वैल्यू। अब इसके बाद हमें
हमें यहाँ पे नेक्स्ट यक्स की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो यक्स ज़ीरो की वैल्यू है इसमें हम यच की वैल्यू ऐड करेंगे, तो हमें यहाँ पे 1 + 0.5 मिलेगा 1.5। ये वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसका कैलकुलेशन करेंगे कैलसी में, तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी वाई की 0.667। तो ये हो जाएगी वाई वन की वैल्यू। अब इसके बाद हम नेक्स्ट यक्स की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो इस यक्स वन की वैल्यू में हम यच की वैल्यू ऐड करेंगे, तो हमें यहाँ पे 1.5 + 0.5 मिलेगा 2। तो ये हो जाएगी दोस्तों यक्स 2 की वैल्यू, और ये वैल्यू हम इस y की वैल्यू में अगर सब्स्टिट्यूट करें तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 0.5। तो ये हो जाएगी y 2 की वैल्यू। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे आगे करते जाना है। तो देखिए यहाँ पे हमें 3 इस x के वैल्यू के लिए y की वैल्यू मिलेगी 0.3333। अब इसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 क्या है दोस्तों, अपर लिमिट है, तो हम यहाँ तक ही x के वैल्यूज़ लेंगे और उसके लिए y के वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें y0 की वैल्यू मिलेगी 1, y1 की वैल्यू मिलेगी 0.667, y2 की वैल्यू मिलेगी 0.5, y3 की वैल्यू मिलेगी 0.4 और y4 की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 0.3333। तो इस तरह से ये ऑब्जर्वेशन टेबल हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है। अब हमारे पास सभी वैल्यू आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे इसके बाद फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफोर बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो हम इसके बाद लिखेंगे ये फार्मूला। अब हमें यहाँ पे फार्मूला लिखने के बाद ये सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने होंगे। तो अगर आपने फार्मूला नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इस फार्मूला के लिए आंसर में कोई मार्क्स नहीं होते हैं, तो आपको ये यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो आपको ये फार्मूला यहाँ पे क्यों लिखना है दोस्तों, तो आपका आंसर गलत ना हो जाए, इसलिए आपको यहाँ पे ये फार्मूला लिखना होगा। आप फार्मूला में वैल्यूज़ देख के फिर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसका कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप। अब फार्मूला लिखने के बाद हम सभी वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमें नेक्स्ट स्टेप इस तरह से मिलेगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 ऑफ dx डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू एच की वैल्यू यानी कि 0.5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट में ब्रैकेट देखिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट लेना है वाई जीरो प्लस वाई एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई जीरो प्लस वाई फोर। तो यहाँ पे वाई जीरो की वैल्यू है 1 प्लस y4 की वैल्यू है 0.3333 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 4 इंटू वाई वन की वैल्यू 0.667 प्लस y3 की वैल्यू 0.4 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 इंटू वाई टू की वैल्यू यानी कि 0.5 ब्रैकेट क्लोज और ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद हमें ये कैलकुलेशन कैलसी में करना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगी नेक्स्ट स्टेप, इक्वल टू ये 0.5 डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज़, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होगा, इस फर्स्ट ब्रैकेट की एडिशन करने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा 1.3333, प्लस इस सेकंड टर्म की वैल्यू का कैलकुलेशन करने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा 4.2668, प्लस थर्ड टर्म का कैलकुलेशन करने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा 1 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये पूरा कैलकुलेशन डायरेक्टली कैलसी में कर लेंगे, तो हमें यहाँ पे फाइनल आंसर मिलेगा 1.1। तो ये हो जाएगी दोस्तों इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, यानी कि हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 ऑफ dx डिवाइडेड बाई x की वैल्यू मिलेगी 1.1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो हमें यहाँ पे आंसर कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या करना होगा, अगर हमें क्वेश्चन में h की वैल्यू दी गई हो तो बहुत आसान है, अगर नहीं दी गई हो तो हमें यहाँ पहले h की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, फिर उसके बाद y के वैल्यूज़ कैलकुलेट करने होंगे, और उसके बाद हमें यहाँ पे सिम्पसन्स 1/3 रूल का इस्तेमाल करके कैलकुलेशन करना होगा। तो इस तरह से यह क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो यह था इस क्वेश्चन का आंसर, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल कॉमा इवेल्युएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 ऑफ 1 / 1 + x³ इंटू dx विथ n इक्वल टू 4। तो ये है क्वेश्चन दोस्तों, 6 मार्क्स के लिए आपको यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमें इस क्वेश्चन में इंटीग्रल
डेसिमल की वैल्यू और एन की वैल्यू दी गई है, तो हम इन सभी का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आंसर में हम इस तरह से लिखेंगे, लेट वाई इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रैंड है 1/1 प्लस एक्स क्यूब, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाई इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स क्यूब कॉमा ए इक्वल टू 0, क्योंकि लोअर लिमिट की वैल्यू 0 है इसीलिए, कॉमा बी इक्वल टू 2 यानी कि अपर लिमिट की वैल्यू, कॉमा एन इक्वल टू 4। तो ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है। अब इन सभी का इस्तेमाल करके हम एच की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे एयरफोर एच इक्वल टू, फार्मूला लिखेंगे बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन, फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें इस तरह से मिलेगा इक्वल टू 2-0 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि हमें यहाँ पर मिलेगा 1/2 यानी कि 0.5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एच इक्वल टू 0.5, तो हमें यहाँ पर एच की वैल्यू मिल गई है। अब इसके बाद हम वाई की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, तो हम इसके बाद सेंटेंस लिखेंगे देन कॉमा द टेबल फॉर वैल्यूज ऑफ वाई इज, तो हमें यहाँ पे टेबल किस तरह से प्रिपेयर करना है, पिछले एग्जांपल जैसा ही हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना होगा। तो यहाँ पे एच की वैल्यू है 0.5, तो देखिए इस टेबल का प्रिपरेशन किस तरह से करना होगा। टेबल में हमें यहाँ पे दो रो बनाने होंगे, तो फर्स्ट रो में हमें एक्स के वैल्यूज लेने होंगे और सेकेंड रो में वाई के वैल्यूज। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स हमें लेनी होगी 0, क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट दिया गया है 0, तो हम यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू लेंगे x की, यानी कि x 0 की वैल्यू लेंगे 0। ये वैल्यू अगर हम इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू इस x की वैल्यू के लिए मिलेगी 1, तो यहाँ पे हमें y 0 की वैल्यू मिलेगी 1। अब उसके बाद हम नेक्स्ट x की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो हमें इस पहले x के वैल्यू में ये h की वैल्यू ऐड करते जाना है, तो हमें यहाँ पे 0 प्लस 0.5 मिलेगा 0.5। अब ये x की वैल्यू हम इस y के वैल्यू में अगर सब्स्टिट्यूट करें तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 0.889। तो हमने यहाँ पे यह कैलकुलेशन कैलसी की सहायता से किया है दोस्तों, आपको भी एग्जामिनेशन में कैलसी की सहायता से ही कैलकुलेट करना होगा। अब नेक्स्ट वैल्यू हम x की किस तरह से लिखेंगे, इस आए हुए पहले x के वैल्यू में हम ये h की वैल्यू ऐड करेंगे, तो हमें यहाँ पे 0.5 प्लस 0.5 मिलेगा 1। अब ये वैल्यू हम इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें इस फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी 0.5। उसी तरह से हमें ये आगे के वैल्यूज कैलकुलेट करना है, तो हमें आखिरी x की वैल्यू कहाँ तक लेनी होगी दोस्तों, 2 तक लेनी होगी। तो हमें इंटीग्रल में दिया गया है अपर लिमिट 2, तो इसलिए हम यहाँ पे x के 2 तक के वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे। तो इस तरह से ये टेबल हमें यहाँ पे मिलेगा कैलकुलेशन करने के बाद। अब टेबल प्रिपेयर करने के बाद हम इसके बाद लिखेंगे फार्मूला, तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल, तो हम यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे इस तरह से, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 3 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट में ब्रैकेट वाई 0 प्लस वाई एन ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 इंटू ब्रैकेट में वाई 1 प्लस वाई 3 प्लस डैश डैश प्लस वाई एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में वाई 2 प्लस वाई 4 प्लस डैश डैश प्लस वाई एन माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद हम ये सभी वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप इस तरह से मिलेगी इक्वल टू एच की वैल्यू है यहाँ पे 0.5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.5 और ये डिवाइडेड बाय 3 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट देखिए, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट क्या लेना है वाई 0 प्लस वाई एन, यानी कि हमें यहाँ पे लेना होगा वाई 0 प्लस वाई 4 की वैल्यू लेनी होगी। तो हम यहाँ पे वैल्यू अगर ले तो हमें इस तरह से मिलेगा 1 प्लस 0.1111 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 इंटू वाई 1 की वैल्यू 0.889 प्लस वाई 3 की वैल्यू 0.2286 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इंटू वाई 2 की वैल्यू 0.5 और ये ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो हमने यहाँ पे सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम ये कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप इस तरह से मिलेगी इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 3 फिर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होगा, इस फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 1.1111 प्लस सेकंड टर्म की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 4.47 प्लस थर्ड टर्म की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 1 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद हम यहाँ पे ये पूरा कैलकुलेशन कैलसी में कर लेंगे, तो हमें यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा 1.0969। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से लिख देंगे हेंस कॉमा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स
इक्वल टू 1.0969। तो इस तरह से हमें यहाँ पे आंसर लिखना होगा, या फिर आपने यहाँ तक लिखा तो भी चलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में ऑन सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ऑफ 1/(1+x²)(dx) बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल बाय टेकिंग 6 sub intervals। तो ये है क्वेश्चन, 6 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। आंसर में हम यहाँ पे लिखेंगे लेट वाई इक्वल टू 1/(1+x²), कॉमा ए की वैल्यू 0, कॉमा बी की वैल्यू 1 एंड एन इक्वल टू हम लिखेंगे 6। अब इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन एच का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में देयर फॉर एच इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन, फार्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1-0/6, और इसका कैलकुलेशन करें तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 0.1667, या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/6। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट में ही लेंगे वैल्यू 0.1667। तो ये हो गई एच की वैल्यू। अब इसके बाद हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी होगी वाई की वैल्यूज़, तो हम यहाँ पे इसके बाद सेंटेंस लिखेंगे देन कॉमा द टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई इज, ये इस तरह से सेंटेंस हमें लिखना होगा। और इसके बाद हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल प्रिपेयर करना है, तो हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल प्रिपेयर कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। यहाँ पे हम 2 रो बनाएंगे, फर्स्ट रो में हम एक्स की वैल्यू लेंगे और सेकेंड रो में वाई की वैल्यू। तो देखते हैं यहाँ पे वैल्यूज़, फर्स्ट वैल्यू हमें एक्स की लेनी है, ए की वैल्यू यानी कि लोअर लिमिट की वैल्यू। तो यहाँ पे लोअर लिमिट है 0, तो ये हो जाएगी फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स यानी कि एक्स 0 की वैल्यू। अब ये वैल्यू हम इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें यहाँ पे वाई की वैल्यू मिलेगी 1, तो यहाँ पे वाई 0 हो जाएगा 1। अब उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट एक्स की वैल्यू किस तरह से लेंगे, यानी कि एक्स 1 की वैल्यू, तो ये एक्स 0 की वैल्यू में हम ऐड करेंगे एच की वैल्यू, तो हमें यहाँ पे 0+0.1667 एडिशन करने के बाद मिलेगा 0.1667। तो ये हो जाएगी एक्स 1 की वैल्यू। अब ये वैल्यू अगर हम इस वाई की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करें एक्स की जगह पे, तो हमें यहाँ पे वाई की वैल्यू मिलेगी 0.9730। तो ये हो जाएगी वाई 1 की वैल्यू। अब उसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एक्स की, यानी कि एक्स 2 की वैल्यू। तो हम ये किस तरह से करेंगे, तो ये जो एक्स 1 की वैल्यू है इसमें हम एच की वैल्यू ऐड करेंगे, तो हमें यहाँ पे एडिशन करने के बाद मिलेगा 0.3334। तो ये मिलेगी हमें एक्स 2 की वैल्यू। अब ये वैल्यू हम इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें यहाँ पे वाई की वैल्यू मिलेगी 0.9, यानी कि वाई 2 की वैल्यू मिलेगी 0.9। और इसी तरह से हमें ये आगे का कैलकुलेशन भी करना होगा। तो हमें यहाँ पे एक्स के वैल्यू कहाँ तक लेने हैं दोस्तों, 1 तक लेने हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे अपर लिमिट है 1। तो हम यहाँ पे एक्स के वैल्यूज 1 तक लेंगे, तो 1 के लिए यहाँ पे वाई की वैल्यू आएगी 0.5, यानी कि वाई 6 की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 0.5। तो हमने यहाँ पे सभी वैल्यूज पॉइंट में कैलकुलेट किए हैं, तो इस तरह से आपको यहाँ पे करना होगा। तो ये हो गया है ऑब्जर्वेशन टेबल प्रिपेयर, यानी कि हमारे सभी वाई के वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट हो चुके हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो हम नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से लिखेंगे बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो सेंटेंस लिखने के बाद हम यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, एच डिवाइडेड बाय 3 (ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट y0+yn) प्लस 4 (ब्रैकेट y1+y3+(--y(n-1) ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 (ब्रैकेट में y2+y4+(--y(n-2)) और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हमने ये फार्मूला लिख दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगी, देखिए लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे हो जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ऑफ 1/(1+x²)(dx) और यहाँ पे राइट हैंड साइड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें इस तरह से मिलेगा इक्वल टू एच की वैल्यू यानी कि 0.1667 / 3 (square)(ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगा 1+0.5 यानी कि y0+y6 की वैल्यू प्लस 4 (y1) की वैल्यू 0.9730
प्लस वाई थ्री की वैल्यू 0.8 प्लस वाई फाइव की वैल्यू यानी कि 0.5901 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में वाई टू की वैल्यू यानी कि 0.9 प्लस वाई फोर की वैल्यू यानी कि 0.6922 ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो हमने यहाँ पे सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। अब इसके बाद हम ये कैलकुलेशन करेंगे कैलसी में, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगी देखिए, नेक्स्ट स्टेप इक्वल टू 0.1667 डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज़ इन टू स्क्वायर ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट की एडिशन हमें यहाँ पे मिलेगी 1.5 प्लस 4 इन टू इस सेकेंड ब्रैकेट की एडिशन हमें यहाँ पे मिलेगी 2.3631 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इन टू इस थर्ड ब्रैकेट की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 1.5922 ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमें यहाँ पे इस तरह से मिलेगा इक्वल टू 0.1667 डिवाइडेड बाय 3 इन टू स्क्वायर ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म एज इट इज़ प्लस सेकेंड टर्म में मल्टीप्लीकेशन करें तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 9.4524 प्लस थर्ड टर्म में मल्टीप्लीकेशन करें तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 3.1844 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद हम ये पूरा कैलकुलेशन डायरेक्टली कैलसी में कर देंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 0.7855। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में फाइनल आंसर लिखेंगे, हेंस कॉमा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 0.7855। तो यहाँ पे हमें सिम्पसन्स 1/3 रूल की सहायता से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है इस तरह से। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों आज का लास्ट, देखिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, सिम्पसन्स 1/3 रूल का। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल। डिवाइड द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0, 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 6 इक्वल पार्ट्स फुल स्टॉप फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाए। तो 6 मार्क्स के लिए यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट है। तो जो हमने पिछले क्वेश्चन में आंसर निकाला था वही आंसर यहाँ पे इस इंटीग्रेशन का इस क्वेश्चन में भी आने वाला है। सिर्फ हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाए। तो हमें इस क्वेश्चन में इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी बाय यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो पिछले क्वेश्चन में जो हमें आंसर मिला था वही आंसर इस क्वेश्चन में भी आने वाला है। तो हमें यहाँ पे आगे क्या करना होगा, वो आंसर मिलने के बाद उस आंसर की सहायता से हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं दोस्तों पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 या फिर हम उसे 3.14 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे पाई का आंसर लाना होगा 3.14। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर में हम यहां पे लिखेंगे हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमा ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 1 एंड एन इक्वल टू हमें यहां पे दिया गया है 6। तो ये वैल्यू हम इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद हम यहां पे एच का कैलकुलेशन करेंगे तो हमें यहां पे वैल्यू मिलेगी 1/6 या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.1667। अब ये हो गई एच की वैल्यू। अब इसके बाद हमें यहां पे वाई के वैल्यूज कैलकुलेट करने होंगे तो हम इस तरह से सेंटेंस लिखेंगे देन कॉमा द टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज। तो इस तरह से हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे। तो इस टेबल में हमने सभी वैल्यूज फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे हैं। तो जो पिछले क्वेश्चन में हमने वैल्यूज कैलकुलेट किए थे वही वैल्यूज है दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो देखते हैं यहाँ पे एक्स की फर्स्ट वैल्यू हमने यहाँ पे ली है 0, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में लोअर लिमिट दिया गया है 0। अब 0 के लिए हमें यहाँ पे वाई की वैल्यू मिलेगी 1, तो यहाँ पे वाई 0 हो जाएगा 1। उसके बाद हम यहाँ पे एक्स 1 की वैल्यू लेंगे 1/6। अब यहाँ पे 1/6 किस तरह से आया है दोस्तों, तो हमने इस एक्स 0 की वैल्यू में ये एच की वैल्यू ऐड की है तो हमें यहाँ पे मिला है 1/6। अब ये वैल्यू अगर हमने इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट की तो हमें यहाँ पे मिलेगा 36/37। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर हम 0.9730 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है। अब उसी तरह से ये आगे के वैल्यूज हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने होंगे। आप यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए कैलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक्स की आखिरी वैल्यू लेनी होगी 1, क्योंकि हमें क्वेश्चन में अपर लिमिट दिया गया है 1 इसीलिए। तो इस तरह से ये ऑब्जर्वेशन टेबल आपको बनाना होगा। अब उसके बाद हमें आगे क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पे फार्मूला लिखना होगा और फार्मूला में हमें सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने होंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे
बाय सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे सभी वैल्यू इस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमें यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा 0.7854। यहाँ पे हम देख सकते हैं आंसर कितना आया है, 0.7854 आया है और पिछले क्वेश्चन में 0.7855 आया था। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद जो फोर्थ डिजिट होती है उसमें कभी कभी चेंजेस हो जाते हैं, एक दो का डिफरेंस यहाँ पे चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.7854। अब यहाँ पे हमें देखना है कि पाई की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करनी है इस वैल्यू की सहायता से। तो यहाँ तक का आंसर आपको समझ में आ चुका है क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना होगा, तो देखिए अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। तो हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने की मेथड सीखी है तो हम उसका इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटीग्रैंड है 1/1 + x². अब इसका इंटीग्रेशन हम बाय यूजिंग फार्मूला आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन फार्मूले और राइट हैंड साइड में हम उसकी वैल्यू लिखते जाएंगे 0.7854। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप नाउ कॉमा, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, देखिए इन स्क्वायर ब्रैकेट टैन इनवर्स ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये, इसीलिए हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पे इस ब्रैकेट के बेस पे हम लिखेंगे लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट यहाँ पे हम ऊपर की साइड में लिखेंगे 1 और इक्वल टू लिखेंगे ये वैल्यू यानी कि 0.7854। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी इंटीग्रेशन की वैल्यू में। तो हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे, देखिए तो पहले हम इस इंटीग्रेशन में x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे अपर लिमिट की वैल्यू, फिर माइनस साइन लिख के फिर इसी इंटीग्रेशन में x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे लोअर लिमिट की वैल्यू। तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप इस तरह से मिलेगी टैन इनवर्स ऑफ 1 माइनस टैन इनवर्स ऑफ 0 और इक्वल टू ये राइट हैंड साइड की वैल्यू एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, देखिए टैन इनवर्स 1 यहाँ पे हो जाएगा π/4, क्योंकि टैन के 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, इसीलिए टैन इनवर्स 1 यहाँ पे हो जाएगा π/4 और आगे यहाँ पे टैन इनवर्स 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे और ये इक्वल टू 0.7854। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर 4 है इसे हमें शिफ्ट करना होगा राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में जाने के बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, पाई इक्वल टू 4 × 0.7854। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू मिलेगी 3.142। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिलेगा, 3.142। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट आ रहा है 2, तो यहाँ पे कभी कभी आपका डिजिट आ सकता है 3 या फिर 4 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है। तो एक दो का डिफरेंस यहाँ पे चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पहले दो डिजिट पॉइंट के बाद के करेक्ट आने चाहिए, यानी कि पाई की वैल्यू जो होती है अप्रॉक्सीमेट 3.14 वो करेक्ट आनी चाहिए। और आगे के डिजिट में अगर एक दो से डिफरेंस आ गया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सिम्पसन्स वन थर्ड रूल की सहायता से पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये था दोस्तों सिम्पसन्स वन थर्ड रूल का आखिरी क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन सिम्पसन्स वन थर्ड रूल के समझ में आ चुके होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के आखिरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।